लास्ट राष्ट्र शुरू हो गए और हमारे लास्ट तीस राष्ट्र शुरू हो गया। सबको एक बहुत बहुत मुबारक और अल्लाह ताला सबको इसमें खूब ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह। और देखिए अब मैं ये लॉक का सब्जी बना रही हूँ, खाते खाते अब दिल बहुत वो हो गया है। तो लौकी आलू की सब्जी बहुत अच्छी बनती है। लौकी और आलू को बस तेल डालिए, जीरा का फोड़न डाला, बस ज़्यादा मसाला मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। और लौकी और आलू को अच्छे से फ्राई कर दिया और उसका टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी प्याज मत रख बस डाल के, टमाटर दो ज़्यादा डालते हैं और प्याज बस थोड़ी सी डालते हैं, ऐसा लगता है। सब्ज़ी बहुत अच्छी खट्टी खट्टी सी अच्छी लगती है। तो बस ये बना दूँगी, थोड़ा सा पानी डालेंगे, इधर थोड़ा सा मेरा चावल बन रहा है, पानी चला गया, थोड़ी सी और डाल दूँगी। स्पेशल बनाऊंगी पकौड़े जो मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने अभी सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि इसमें चिकन को बॉईल किया था, सिर्फ लहसुन अदरक और मिर्च डाल के बॉईल कर लिया के पकौड़े कौन बना और ये आलू बॉईल कर लिया। अब मैं दिखाऊंगी इसमें क्या क्या जाएगा और क्या क्या होगा। पहले इसको अभी हाथ से इस टाइप से कर लूँगी, रेशे रेशे से बोनलेस चिकन है ना, बोनलेस चिकन है। मैंने लहसुन और अदरक डाल के बॉईल कर लिया, खूब अच्छी तरह से देखिए। इस्तेकाफ में बैठेंगे अल्लाह ताला उनको इस्तेकाफ में सेहत तंदुरुस्ती के साथ उनका इस्तेकाफ कबूल करें। और हमारे यहाँ भी हमारे हस्बैंड बैठ रहे हैं, दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनके भी इस्तेकाफ में बैठना कबूल फरमाए। और हम लोग को नहीं बीवी बच्चों को छोड़ के जाना भी तो वो है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मस्जिद पास में, कोई ऐसा टेंशन नहीं है। ही मैश करूंगी, अच्छे से हो जाता है। हाथ लगा के खाना खाना, हाथ लगा के कोई चीज मिक्स करने बहुत सुकून मिलता है और अच्छे से लगता है कि तबीयत में सेटिस्फाइड मिलती है कि कि मैंने अच्छे से हो गया। वो करते हैं लेकिन वैसी बात नहीं आती है। तो देखिए हमारा हो गया है। धनिया पत्ती की देखिए चटनी बना देंगे, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, लहसुन अदरक डाल के, नींबू निचोड़ देंगे। चिकन हो गया है रेडी और यहाँ देखिए आलू बॉईल करके कर लिया रेडी, अब इसमें मिक्स कर दूंगी चिकन और आलू का कॉम्बिनेशन है। और देखिए इसमें अब डालूंगी प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ती। आप चाहे तो इसमें कुछ सब्जी भी डाल सकते हैं जैसे गाजर, शिमला मिर्च। अब देखिए इसमें नमक डाल दिया और ये डाल दिया मैंने गरम मसाला क्वार्टर, हाफ चमची जीरा भुना हुआ, हाफ चमची से कुछ ज्यादा, और जाए हमारा चाट मसाला हो गया। अब इसमें जाएगा लहसुन अदरक, तो मैंने बॉईल कर दिया था करने का, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा जाएगा तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी पीसा हुआ। वन टीस्पून के करीब डाल दिया है क्योंकि बॉईल में भी तो डाल दिया था। चिकन बॉईल करने का टाइम मैंने लहसुन अदरक हरी मिर्च डाल के बॉईल किया था, तो नमक। और अब इसमें डालूंगी वन टू थ्री फोर स्पून बेसन, अब सबको मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ। कोई बड़े बर्तन नहीं हमको मिक्स करना, क्योंकि बर्तन ऊंचा नहीं, छोटा बर्तन।
मिक्स कर दो। आप अगर लाल मिर्च खाते तो थोड़ा सा लाल मिर्च भी कूटी हुई डाल दीजिए इसमें। खड़ी तो नहीं डालोगे? खड़ी डालोगे तो कैसे तीखा होगा भाई? हमारा अच्छा सा मिक्सर तैयार हो गया। अब इसको मैं रख दूंगी, अब फटाफट गोल गोल बनाना है, जैसा भी बनाना है इस शेप का आप इसको। तो मम्मा ने फ्रूट चाट बना रही है, तो फ्रूट चाट के लिए यहाँ हमारे ग्रेप्स और बनाना कट हो गया है, और इधर मम्मा काट रही है एप्पल, और उसके बाद मम्मा कट करेंगी अनार और वाटरमेलन की अलग से कट करेंगी और सेब है। हम इस्तेमाल करते हैं जुम्मा चाट मसाला भाई, जुम्मा चाट, ये जुम्मा के लिए इन्वेंट होगा, जुम्मा चाट मसाला हो गया। तो इसमें मम्मा ने चाट मसाला डाल दिया है, और इसमें साथ में रबजा भी डालते हैं हम लोग, और आपने हमारी पुरानी वीडियोस में देखा होगा। तो ये हमारा फ्रूट चाट रेडी हो गया, बड़े बर्तन में निकाल लिया है, और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वाटरमेलन काट दिया हमें, इसे दो अलग अलग जगह काटा है, एक तो ये बड़े से बाउल में काटा है, और एक ही मस्जिद जाएगा ये उसके लिए काटा है, ये मस्जिद में जो लोग हैं ना इत्तेकाफ में बैठे हुए उनके लिए। गोल गोल बॉल की तरह बना रही हूँ, और ये हमारा जो हमने बनाया था हाँ चिकन बॉल, बहुत अच्छा शानदार सा ये देखिए बन रहा है, और इसको तो मीडियम आंच पर तल रहे हैं कि अंदर से एकदम पक जाए, अंदर से तो पका हुआ बॉयल किया हुआ सब चीज़, लेकिन अंदर तक तक से क्रिस्पी क्रिस्पी सा हो, सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बॉल को फ्राई हो गए तो उसे निकाल रही है बैगन के, जल्दी जल्दी ये हमने बैगन को ऐसे काट लिया, गोल गोल काट लिया, इसका छिलका हमने उतार दिया, मैं आपको जल्दी से दिखा नहीं पाया देखिए। और ये जो हमारा गोल होता है पकौड़े वाला, उसी गोल में हम इसे डिप करेंगे या फिर फ्राई कर देंगे। पकौड़ी चना वाटरमेलन चाट बैगनी।